नमस्कार, मैं हूँ राधिका और आप देख रहे हैं जी न्यूज इंडिया हरियाणा। के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की नारों से गूंजा मंदिर परिसर। कई वर्षों दुर्लभ संजोग में यशोदा मंदिर में गोद भराई की रस्म के लिए बड़ी संख्या में महिलाओं ने पूजा की। गोपाल मंदिर बांके बिहारी मंदिर के साथ रजवाड़ों पर देरासर उल्लास का माहौल और आलकी की पालकी जय कन्हैया लाल की पूजा आरती के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते रहे। संकट मोचन हनुमान मंदिर पर भजन की गंगा बहती रही। बालकृष्ण बने नन्हे बालक आकर्षण के केंद्र रहे। अपनी माता के साथ छोटी छोटी गैया को घास पत्तियां खिलाते रहे और बड़े मासूम से बोलते रहे, मेरी पत्तियां गाय खा रही, सब खा गई माँ, इन्हें रोको। संकट मोचन हनुमान मंदिर पर अंकित चौधरी द्वारा भजनों की गंगा बहती रही। झूलेलाल मंदिर अन्नपूर्णा मंदिर से भी रात को देर भक्त का तांता लगा रहा। बिहार में मटकी रहा राम मंदिर। पंचकुआ मंदिर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा गोपूजा का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने काफी संख्या में भाग लिया। आला बाजार रहवासी संघ द्वारा मटकी फोड़ कार्यक्रम आयोजित किया गया। आनंद चौहान, अजय बापना, राकेश सोमवार, रविंद्र विजय वर्गे, गोपाल आदि लोग मौजूद रहे। वर्ष क्या है, जो हमारी परंपरा है, उसके अनुकूल पूजन पाठ, प्रातः काल अभिषेक, भगवान को नवस्त्र धारण, भगवान का श्रृंगार, भगवान को बाल भोग और भगवान की श्रृंगार आरती। और परंपरा के अनुसार जैसे अभी आपने देखा कि 11 ब्राह्मणों के द्वारा और गोपाल जी का विधि विधान से और वैदिक पद्धति के द्वारा उनका पूजन अभिषेक संपन्न हुआ। और इसी प्रकार हर बार इसी प्रकार और हर वर्ष का इसी रात्रि में 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा बड़े धूमधाम से। और जन्मोत्सव मनाने के बाद भगवान का और सभी भक्तों को प्रसाद वितरण कराया जाएगा, माखन मिश्री पनीरी और नाना प्रकार का मतलब प्रसाद। और ये यहाँ का जो परंपरा है, सुबह से ही भगवान का प्रसाद वितरण हो रहा है और सभी भक्तों द्वारा भजन कीर्तन संकीर्तन और इसी प्रकार से कार्य करके पूरा दिन का व्यतीत। स्वामी 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 स्व